नमस्कार दोस्तों, हमने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को आरटीआई डाली थी, जिसमें लगभग 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो 9 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ 2 ईयर, कि अलाइड हेल्थ के जो 2 साल के कोर्स हैं डिस्टेंस में किए हों यूनिवर्सिटी से या नॉन यूनिवर्सिटी संस्थाएं से, 27 मार्च 2021 से क्या उनकी एलिजिबिलिटी होगी रजिस्ट्रेशन की। तो इसका जवाब है, एज पर सेक्शन 38 ऑफ नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021, हर कोई व्यक्ति जिसने भी सर्विस दी है या सर्विसेज दी हैं रेकोगनाइज कैटेगरीज में, रेकोगनाइज कैटेगरीज अभी तक 56 पहचानी गई हैं, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट शैल बी ऑलो टू प्रोविजनल रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजनल ऑफ दिस एक्ट विद इन सच पीरियड ऑफ सच कमेंसमेंट इन सच मैनर एज वैन यू स्पेसिफाइड बाई रेगुलेशन। यानी कि जिसने भी उस सर्विसेज दी हैं, सेवाएँ दी हैं 56 कैटेगरीज में, तो इसका जवाब ये हो गया कि वो डिस्टेंस में है, चाहे रेगुलर में है, यूनिवर्सिटी से है या नॉन यूनिवर्सिटी से। ठीक है जी। दूसरा, गिव इंफॉर्मेशन अलाइड हेल्थ कोर्सेज डन बिफोर 27 मार्च इन रेगुलर मोड। अगर रेगुलर कोर्सेज किए हैं 27 मार्च 2021 में रेगुलर मोड में, चाहे वो 18 मंथ्स के हैं, मगर उसका 2000 घंटे का, अगर अलाइड हेल्थ 2000 घंटे का समाकाल है, हॉर्स हैं उसमें, जिसको घंटे हैं जो 2000 हैं, क्या वो एलिजिबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। इसका भी जवाब सही यही है जो मैंने पहले दिया, यस। उसके बाद छठा क्वेश्चन जिसका यही जवाब है, गिव इन्फॉर्मेशन वेदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशन हु हैव डन डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और नॉन यूनिवर्सिटी विदाउट 12th साइंस बैकग्राउंड विद 12th आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वुड बी रजिस्टर्ड और नॉट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ AHP एक्ट। AHP एक्ट में क्या ऐसे व्यक्ति को रजिस्टर किया जाएगा जो कि 12th आर्ट से है, 12वीं आर्ट से है, कॉमर्स से है। तो आगे लिखा है रिकॉग्नाइज कैटेगरीज में 56 में सभी को प्रोविजनल रजिस्टर्ड किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये वाला उसका आंसर हो गया। उसके बाद हमने पूछा था, गिव इंफॉर्मेशन प्राइमरी हेल्थ केयर गवर्नमेंट बॉडी एग्जैक्ट एड्रेस। प्राइमरी हेल्थ केयर गवर्नमेंट बॉडी अगर कोई है, गवर्नमेंट ने बनाई है, या कम्युनिटी हेल्थ प्रिंसिपल के ऊपर, WHO के प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि उसकी रेगुलेटरी बॉडी हो। यानी कि तीसरा प्रश्न, नो सच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। चौथा, गिव एड्रेस ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट एड रेगुलेटरी बॉडी और उसकी वेबसाइट दीजिए। जो प्राथमिक उपचार की कोई गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है तो उसकी वेबसाइट दीजिए। चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है, नो सच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, यानी कि है ही नहीं है कोई। बाद में दिखाता हूँ मैं आपको लेटर। पॉइंट पाँचवा, गिव इन्फॉर्मेशन अलाइड हेल्थ प्रोफेशन हु डिड डिप्लोमा फ्रॉम नॉन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी इन अलाइड हेल्थ स्ट्रीम हुज ऑनर और ट्रस्टी हैव एक्सपायर्ड इन लास्ट 76 ईयर बिफोर कमेंसमेंट एक्ट। हमें ये बताइए कि किसी बंदे ने कुछ यूनिवर्सिटी से या नॉन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया हो अलाइड हेल्थ स्ट्रीम का कोई भी, अगर उसका यूनिवर्सिटी का मालक या उसके ट्रस्टी पिछले 76 साल में, क्योंकि ऐसी AHP एक्ट बना ही नहीं था, तो अगर वो मर गया है तो फिर क्या, वो रजिस्ट्री में मर गया, जो मालिक मर गया तो नॉन यूनिवर्सिटी भी ख़त्म और यूनिवर्सिटी भी ख़त्म। तो इसके बारे में पूछा, तो ये पांचवा प्रश्न है। तो पांचवे का कि इन्फॉर्मेशन साउट बाय यू इज़ नॉट अवेलेबल, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फुली फंक्शनल सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी फॉर लाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन अभी फंक्शनल ही नहीं हुई, यानी कि अभी काम करना ही नहीं शुरू किया। यानी कि जब वो काम करना शुरू हुआ उससे पूछ लेना, हमें तो कुछ नहीं पता, एक्ट जरूर बन गया। छठा, गिव इन्फॉर्मेशन वेदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशन हु हैव डन डिप्लोमा 2 ईयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और नॉन यूनिवर्सिटी विदाउट 12th साइंस, ये तो पहले ही बता चुके हैं। वेदर अलाइड हेल्थ कोर्सेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी और नॉन लेसर ड्यूरेशन 24 मंथ्स वुड बी आउट ऑफ प्री ऑफ AHP एक्ट। सातवां क्वेश्चन कि जो 2 ईयर से लेस होंगे क्या वो एक्ट के बाहर होंगे, उसके प्रीव्यू में नहीं होंगे,
तो सातवें का क्वेश्चन, इंटरिम कमीशन फॉर लाइड हेल्थ केयर हैज ऑलरेडी नोटिफाइड ICAHP अभी फंक्शनल नहीं है, जब वो फंक्शन होगी तो उससे पूछ लेना, वो इसको रिलेटेड केसेस को हैंडल करेगी, यानी कि उनके पास कोई जवाब नहीं है आज की घड़ी में। आठवां पॉइंट, वेदर यूर काइंड पैक्स बॉडी हैज कलेक्टेड डेटाबेस, क्या आपने, आपकी पैक्स बॉडी है क्या कोई अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की कोई आपने लिस्ट बनाई है, डेटा बनाया है, प्राइवेट वाले, गवर्नमेंट वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड जनरेशन, नॉन यूनिवर्सिटी की या रजिस्टर्ड सोसाइटी की एसोसिएशन, जो 76 साल से अलाइड हेल्थ स्ट्रीम में सर्टिफिकेट डिप्लोमा देते रहे और लाइवलीहुड जनरेट करते रहे स्किल एनहांस के, क्या किसी का डेटाबेस है आपके पास सारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का या ऐसे इंस्टीट्यूट्स का जो कि जनरेट करते रहे स्किल डेवलपमेंट के लिए, कैरियर इन्हांसमेंट के लिए? अगर वो ना होते तो वो पैदा ही ना होते तो बड़ी डेफिशिट हो जाती। क्या आपके पास कोई डेटाबेस है? आगे जवाब है कि इंटरिम कमीशन अभी फंक्शनल नहीं है, यानी उससे पूछना जब फंक्शनल हुआ। उसके बाद नोवा, गिव नेम्स ऑफ स्टेट, मुझे वो स्टेट्स बताइए जहाँ पे अलाइड हेल्थ बॉडी आपके अलाइड AHP एक्ट के मुताबिक बन चुकी है और उसने पहला रजिस्टर हैव मेंटेन फर्स्ट रजिस्टर, क्योंकि फर्स्ट रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे फार्मेसी में है तो फर्स्ट रजिस्टर में एक जगह पे लिखा हुआ है कि जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं भी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी है, उसके पास एक्सपीरियंस तो होगा, वो एक्सपीरियंस दे और रजिस्टर्ड हो जाए। तो यही फर्स्ट रजिस्टर के बारे में मैंने पूछा कि आपके AHP में क्या फर्स्ट रजिस्टर है ही नहीं है, मेरे को ये जवाब दीजिए। नौवें प्रश्न का, फर्स्ट रजिस्टर जो होता है, नौवें प्रश्न का, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश हैव कम्युनिकेटेड, उन्होंने कहा है कि हमने अलाइड स्टेट अलाइड हेल्थ केयर काउंसिल अपनी स्टेट में बना रही है, फर्दर एनी स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन यू मे डायरेक्ट अप्रोच टू कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, और अगर आगे की कोई आपको चाहिए तो उन स्टेटों को पूछिए, UP को और आंध्र प्रदेश को, उनको जब लिखते हैं वो जवाब ही नहीं देते, ऐसे लगता है कि वो बना लिए मगर फंक्शनल नहीं है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। ये प्रश्न थे और ये आंसर, किसी भी को भी मैंने अधिकार नहीं दिया कि वो इन चीज़ों को सर्कुलेट करे कमर्शियल पर्पस के लिए। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। ये लेटर है 24 मई 2022 की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। धन्यवाद।